सब्सक्राइब करें जेके डिश इन्फो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डीटीएच के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने तो के दोस्तों लिए। आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि डीडी फ्री डिश से तुर्कसेट 42 को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, आसान तरीके से किस तरह डिश को घुमानी है और कितना एलएनबी को घुमाना है और कैसे सेट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मेरी जो ये डिश है अभी फिलहाल के लिए डीडी फ्री डिश पर लगी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दूरदर्शन के चैनल चली हुई है, 88% तक सिग्नल यहाँ पर से आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर डीडी फ्री डिश से हम करेंगे 42 यानी कि तुर्कसेट पर हमारी डिश को सेट। तो आपको डिश को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा और कितना डिश को घुमाना पड़ेगा वो कंप्लीट नाप के साथ आपको दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाला मार्क आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर डीडी फ्री डिश यहाँ पर लगा हुआ है, ये डॉट यहाँ पर से आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं वो डीडी फ्री डिश पर लगा हुआ है। और अब दोस्तों हम डिश के पीछे से बात करें तो हमें राइट हैंड की तरफ डिश को घुमाना है और कितना घुमाना है वो एग्जैक्ट नाप के मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप भी अपने डिश को इतना घुमा के 42 डिग्री सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना आपको डिश को घुमाना है, तो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ बात करें तो 52 यानी कि 52 इंच सेट होता है और डिश यहाँ पर बीच वाला जो एक मार्क देख रहे हैं उससे आपको डिश को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि 52 के लिए आपको डिश को नहीं झुकाना है लेकिन यहाँ पर 42 के लिए आपको जरा सा है डिश को झुकाना पड़ेगा। और एग्जैक्ट दोस्तों अगर हम नाप की यहाँ पर से बात करें तो चलिए मैं यहाँ पर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप डीडी फ्री डिश लगाई हुई है आपने और आप पीके स्पोर्ट वगैरह चैनल को देख के यहाँ पर अपनी डिश को सेट करना चाहते हैं तो फिर डिश को कितनी घुमानी है और कितनी झुकानी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पांच यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो ये दोस्तों है 52 ईस्ट का और ये अगर बात करें यहाँ पर से तो लगभग 2 सेंटीमीटर और आपको आगे घुमानी है तो आपकी जो तुर्क सेट है वो एकदम सेट हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनल एक बार मैं डीडी फ्री डिश से डिश को इतना घुमा कर आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए आप यहाँ पर इतनी डिश को आपको घुमानी पड़ेगी डीडी फ्री डिश से, किस दिशा में मूव कर रहा हूँ वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। एलएनबी की बात करें तो एलएनबी डीडी फ्री डिश से आपको उल्टा कर देना इस तरह से, ठीक है। तो टीपी जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वो टीपी आपको यूज़ करनी है तभी जाके आप इस डिश को सेट कर पाएंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का डिफरेंस रहता है, अगर डीडी फ्री डिश की तरफ आप रखना चाहें तो भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको टीपी दे रहा हूँ वो इस साइड के लिए आपको एलएनबी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं टीपी लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको सिग्नल भी दिखाऊंगा 42 इंच के और लास्ट में कुछ चैनल भी आपको चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मुझे कुछ सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, तो कोशिश आपको ये करना है कि मैक्सिमम जितने भी आपको सिग्नल यहाँ पर से मिल जाए उतने सिग्नल पर आपको अपनी डिश को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैंने दोस्तों जो आपको नाप दिखाया है कि आपको डीडी फ्री डिश से लगभग 1.2 इंच जितना आगे घुमाना है यानी कि पीछे से राइट हैंड की तरफ, ठीक है। तो इतना डिश को घुमाने के बाद थोड़ा सा अगर आप डिश को झुकाएंगे तो आपको 42 डिग्री ईस्ट पर सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों ये मेरा जो डिश पोजिशन आप देख सकते हैं ये फाइनल डिश पोजिशन है जो कि 42 डिग्री ईस्ट के लिए है और ये वाला जो डिश है दोस्तों डीडी फ्री डिश पर लगी हुई है तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि किस साइड में आपको, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मुझे बोल रहे हैं कि किस दिशा में डिश सेट करना है वो हमें मालूम नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैं आपको डीडी फ्री डिश से तुर्क सेटिंग करके आपको दिखाया हूँ।